तो भाई लोग आपने पानी की तरह पैसा बहते हुए सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने देखी इंडियन पुलिस फोर्स। जब इसका ट्रेलर आया था तो मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन सीरीज देखने के बाद भाई होप्स है। अभी का रिव्यू हम करेंगे, 7 एपिसोड्स 30 से 40 मिनट्स ईच, इंडियन पुलिस फोर्स, अवेलेबल ऑन Amazon Prime। सामान समून भी काट लो, टैग करो वो पुलसा की पुलसा। सबसे पहले बात करें सभी की परफॉर्मेंस की, तो आपको याद होगा कि ट्रेलर के अंदर स्लो मोशन में वो विलन भागते हुए जा रहा है, सिद्धार्थ मल्होत्रा उसको देख रहा है। ट्रेलर में इन्होंने दिखाया नहीं है कौन है विलन, लेकिन भाई सीरीज के अंदर भी नहीं दिखाना चाहिए था। भाई क्या था वो जो मेन विलन है पूरे सीरीज का, जिसको सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग है, भाई उसका मन ही नहीं कर रहा एक्सप्रेशन देने के लिए, इसलिए मेरा भी मन नहीं कर रहा उसको देखने के लिए। अर्जुन कपूर कैन बिकम एक्टर, देन एनीबॉडी कैन बिकम एक्टर। और इतना ही नहीं, चौथे पांचवें एपिसोड में तो आपको उसकी बैक स्टोरी भी देखनी पड़ती है, मतलब टॉर्चर है उसके ऊपर भी और टॉर्चर। अच्छी एक्टिंग और परफॉर्मेंस का बोझ सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उठाया, वो ओवर एक्टिंग भी नहीं कर रहा और एकदम डिसेंट जेन्युइन। जब उसका इंटरोगेशन होता है टेररिस्ट के साथ, वो जिस तरह से उसकी मानसिकता सुन के फ्रस्ट्रेट और इरिटेट होता है, तो भाई ओटीटी पे डेब्यू बहुत बढ़िया था सिद्धार्थ का। लेकिन बाकी विवेक ओबरॉय और शिल्पा शेट्टी दोनों भी ओवर एक्टिंग करते हुए दिखते हैं। शिल्पा भाभी प्लीज, रियलिटी शोज में तो यही चलता है सुपर से ऊपर, लेकिन वेब सीरीज के अंदर एक्सपोज हो जाती है एक्टिंग। टीवी सीरियल में कैसे होता है वैसा टिपिकल लगा, वो रॉनेस, वो रियल, वो जो वेब सीरीज में होता है वो करता ही नहीं था। हग दिया क्या? अब भी तो रुको, सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं। रोहित सर, आपका कैमरा खराब हो चुका है सर्कस के बाद से, उसको चेंज करो। क्यों, क्या हुई? फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सीन के अंदर आप ब्राइटनेस देख लो, इतना ज्यादा एक्सपोजर, ऐसा लगता है कि ग्रीन स्क्रीन लगा है। रियल वो, लेकिन ऐसा लगता है ग्रीन स्क्रीन पे चल रहा है सब। 200% ब्राइटनेस, 200% बैकग्राउंड ब्लर करके भाई, और ड्रोन शॉट का तो भाई क्या ही नशा चढ़ गया इनको। और अभी तो रुको, अगर ये देखने के बाद भी आपकी आंखों से खून नहीं निकला, तो आखिरी एपिसोड में इन्होंने स्क्रीन को पूरा पीलिया कर दिया। नेटफ्लिक्स की एक्सट्रैक्शन अगर आपने देखी होगी तो उसी का कलर ग्रेडिंग यहाँ पर चिपका दिया है। वहां पे भी बांग्लादेश ढाका के एक्शन सीन्स है, यहाँ पे भी बांग्लादेश ढाका है, लेकिन भाई क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। इतना खतरनाक कलर ग्रेडिंग आपकी आंखों में चुपता है लिटरली। लेकिन इन सब के बावजूद जो चीज मेरे दिल को छू गई वो थी एक्शन कोरियोग्राफी बाय रोहित शेट्टी। बंदे को और कुछ ना सही, लेकिन एक्शन बनाना आता है। लास्ट मैंने कैप्टन मिलर देखी, उसमें सिर्फ मुझे एक ही टाइप का गनशॉट्स वाला एक्शन सीन्स मिला, लेकिन यहां पर मुझे हैंड टू हैंड बैटल मिला, कार चेस सीन मिला, फिर बाद में गनशॉट। ओ भाई साहब, वैरायटी कितनी है एक्शन के अंदर। और कुछ एक्शन सीन्स वन टेक शॉट के भी है जो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको सहना पड़ेगा ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स में, और उसके बाद आपको एक्शन मिलेगा। लेकिन कुछ एक्शन सीन्स के अंदर VFX बुच मारने लग जाते हैं। हमें बुच मारना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 200 करोड़ का बजट है भाई। फोर्थ एपिसोड के अंदर दंगे का सीन है, कार के अंदर बच्चे बैठे हुए, वो कार चला रहा है, और वन टेक के अंदर वो कैमरा पूरा पैन होता है हर एक विंडो में, और विंडो में हमें दिखता है कि यहां से बमबारी हो रही है, वहां से कोई हथियार फेंक रहा है। बहुत ऑसम सीन था वो। इन शॉर्ट, रोहित सर का डेब्यू है OTT प्लेटफॉर्म पर, तो एक्शन सीन्स दिखाने में तो भाई वो बाप है। लेकिन बाकी जो मेन मुद्दा है सीरीज के अंदर टेररिस्ट का, उसका 0% कन्विक्शन दिखता है। फोर्थ एपिसोड के अंदर टेररिस्ट ने 4 अलग-अलग जगहों पे बॉम्ब फोड़ दिए, एक बॉम्ब तो भाई न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह उसका धुआं उड़ रहा है, इतना बड़ा। और उस चीज को एकदम स्टाइलिश तरीके से टेररिस्ट का इंट्रोडक्शन पैन आउट कर दिया, लेकिन भाई बॉम्ब फटता है तो लोग मरते हैं, दर्दनाक खौफनाक मंजर हो जाता है। वो दिखाओ ना यार, मैं नहीं दिखाऊंगा। उन्होंने सीधा नेक्स्ट एपिसोड में स्किप कर दिया है इतनी इंपॉर्टेंट चीज, और डायरेक्ट बता दिया 15 days later, मतलब बम फट गया, क्या हुआ 15 दिन। और इतना ही नहीं, जब इन्होंने दिखाया सेकंड एपिसोड के अंदर वो बम फटने का खतरनाक मंजर, भाई लोग मर रहे लिटरली, आग है हर जगह पे, और उसके बीच में ये पूरी पुलिस की फोर्स एकदम स्टाइलिश रेबैन का गॉगल पहन के स्लो मोशन में एंट्री ले रही है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? उसी वक्त मैंने अपना लॉजिकल दिमाग ऑफ किया और अपना पोगो और कार्टून वाला दिमाग स्टार्ट किया। अब तुम भाई कुछ भी दिखाओ, मेरा दिमाग शटडाउन हो चुका है। और अगर कन्विक्शन की बात कर ही रहे, तो सेकंड एपिसोड के अंदर इन्होंने टेररिस्ट को कैसे पकड़ा वो बताता हूँ आपको। इतना फुद्दू वे में पकड़ा है भाई। स्पॉइलर वार्निंग, एक अंडरकवर पुलिस आती है, पहले ही दुकान वाले को जाके पूछती है, भाईजान मेरी बच्ची घर से भाग गई है तो कहाँ होगी, कुछ बता सकते हो, ये देखो फोटो। वो भाईजान बोलते कि शायद वहां पे उस घर में हो सकती है, वो पहले माले पे है ना, वहां हो सकती है। और फिर ये फर्स्ट फ्लोर पे जाके पूछती है, वहां पे सारे टेररिस्ट होते हैं, वहां से नीचे आती है, पुलिस को बोलती है हाँ ये लोग ऊपर ही है, जाओ जाके मचा दो। इंडिया में इतने बम फोड़ दिए, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, उसको इतनी आसानी से पकड़ लिया, एफर्ट्स ही नहीं दिखते भाई। इसी वजह से कुछ रियली फील नहीं होता, मतलब चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और पूरे एफर्ट्स इन्होंने डाले हैं एक्शन के अंदर। इसी सीन के बाद गनशॉट्स है, वो एक्शन सीन्स बहुत ऑसम था। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, अगर आपने बहुत ज्यादा वेब सीरीज नहीं देखी, एकदम नए नए हो, कभी वेब सीरीज देखी ही नहीं है लाइफ में, तो भाई जाओ मजा आएगा आपको। मेरे लिए ये सीरीज 6.5 डिजर्व करती है 10 में से। बढ़िया
एक्शन सीन सिद्धार्थ मलोरा की अच्छी एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा सीरीज में। आपकी क्या राय है सीरीज को लेकर कमेंट में जरूर बताना। लास्ट वीक ऐसी ही एक्शन पैक कैप्टन मिलर आई थी, उसका रिव्यू आपके स्क्रीन पे। रिव्यू पसंद आया तो लाइक डिसलाइक कुछ तो जरूर करके जाना भाई। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।